हाय गाइस, मैं आशीष मिश्रा बाइंडी ट्यूब प्रयागराज टेक्निकल स्कूल मास्टर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग ओ लेवल की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ओ लेवल की क्लास, ओ लेवल में क्या पूछता है उसके सेकेंड पेपर M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, इसको हम कवर करेंगे, जिसमें आपका ये सेकेंड कंपलसरी पेपर है, जिसमें आपको कुछ चीजें सीखनी है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग के बारे में। बेसिकली यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट उसकी हिस्ट्री, ग्रोथ, ये समझेंगे। और इंटरनेट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक पार्ट होता है नेटवर्क और दूसरा पार्ट होता है वेब डिजाइनिंग। बिना दोनों पार्ट के इंटरनेट आपका वर्क नहीं कर सकता है। फ्रेंड, मेरी बात को ध्यान में रखना कि इंटरनेट, अगर लोग सोचें कि केवल हम वेबसाइट सर्च करते हैं, वेबसाइट अगर हम बनाना सीखते हैं हमें इंटरनेट आ, नहीं, ये नहीं होता। इंटरनेट में वेब डिजाइनिंग या नेटवर्क दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। चाहे आप बहुत अच्छे डेवलपर हो, लेकिन तब भी आपको नेटवर्क का की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री और उसकी ग्रोथ, कैसे इंटरनेट आया। फिर बेसिकली इसके जो दो पार्ट हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं, नेटवर्क और वेब डिजाइन, इन दोनों पार्ट में पहले हम नेटवर्क को कवर करेंगे। नेटवर्क में सबसे पहले क्लाइंट सर्वर मॉडल, हम समझते हैं कि क्लाइंट यानी यूजर और सर्वर, जो हम चीज रिट्रीव कर रहे हैं जहां से, उसके बारे में जानेंगे। फिर वो चीज हम तक आ कैसे रही है या हम ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, उसके रूल्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, कनेक्टिविटी, एड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे पार्ट ऑफ नेटवर्क हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मीडिया, नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे होता है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, इतनी चीजें सीखने के बाद हम इंटरनेट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर हम वेब डिजाइनिंग में आते हैं। वेब डिजाइनिंग में भी हमें कुछ लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग देखेंगे। ओ लेवल के कोर्स में आप में सिर्फ HTML है और कुछ पार्ट जावा के, सिर्फ दो चीजें हैं, और उनको होस्ट कैसे किया जाए, ये पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस यानी 100 मार्क्स का है। आपको पता है कि इन 100 मार्क में दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक 40 जो आपके ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और 60 जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इन ऑप्शनल में आपको चार कैटेगरी मिलेगी, 10 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेंगे MCQ, 10 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो रहेगा ट्रू एंड फॉल्स। इसके लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव खुद ब खुद बना सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम लोग सबसे पहले इंटरनेट क्या है उसके बारे में जानते हैं।
इंटरनेट। फ्रेंड, अब अगर हम बात करें कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़े, जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, यहां भी हम लोग कुछ ऐसा ही ट्राई करते हैं कि इसको दो भागों में ले लेते हैं, एक इंटर और दूसरा क्या नेट। दो चीजें यहां पे समझते हैं कि इंटर, इंटर मतलब अगर इसकी हिंदी देखें तो वो क्या होता है, इंटर मतलब होता है अंतर, और नेट मीन्स होता है हम लोग जानते हैं जाल। अगर इसको मिला दें तो ये क्या होगा, अंतर्जाल, अंतर्जाल। अब इसका अर्थ क्या होता है अंतर्जाल, इंटरनेट क्या होता है, तो इसी में अंतर्जाल का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी कह सकते हैं आप इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क। गाइस यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क। कुछ लोग कहते हैं कि इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन नोड, अगर आप नोड के बीच कनेक्टिविटी डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं या बोलते हैं तो वो इंटरनेट नहीं होता बल्कि नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क की डिफिनीशन होती है, इंटरनेट की डिफिनीशन नहीं होती है। और नेटवर्क को जोड़ना, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ना ही आपका क्या हुआ, इंटरनेट। अगर हम इसकी बात करें कि इंटरनेट आया कहां से, इंटरनेट कहीं से आया नहीं, इन नेटवर्क को, बहुत सारे नेटवर्क को उन्होंने जोड़ा हुआ है, जिसको एक लोग ने नहीं बनाया, ये एक अलग नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है, आपके पास तीन नेटवर्क है और इन तीनों नेटवर्क को आपने कनेक्ट कर दिया। अब कैसे कनेक्ट किया ये तो हम बाद में मीडियम के बारे में जानेंगे कि किसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या है? तो इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क नॉट नोड। अगर आप नोड की बात करेंगे तो वो नेटवर्क हो जाता है, क्योंकि इन नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। नोड्स मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो नेटवर्क होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये तो एक शाब्दिक परिभाषा है, एक शाब्दिक डिफिनीशन है कि इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। अब थोड़ी सी और परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आपका है इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ ग्लोबली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई सूचनाओं का संग्रह आपका इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट क्या कहलाता है? इंटरनेट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाओं का ये संग्रह है। साथ ही आप कह सकते हैं इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेटेड हॉबी। मानव की जो ये हॉबीज होती हैं, जैसे हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, अब क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन कहां है? इंटरनेट। तो सबका भंडार, किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं कहां पे हैं? सब सूचनाएं आपको इंटरनेट पे हैं। और फ्रेंड जितना 1000 लाइब्रेरी, 1000 लाइब्रेरीज के जितनी बुक होती हैं, जितनी बुक के इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका कलेक्शन क्या होता है? इंटरनेट। ये तो एक किताबों में आप तरह तरह की आप पाओगे, इसीलिए कहा गया है कि ये जाल नहीं है बल्कि एक महाजाल है जिसमें पूरी सूचना, आप कुछ भी डालो इंटरनेट कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई जरूर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट
इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क नॉट नोड। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क नॉट नोड। यहां पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आपको इस तरह से कंफ्यूज करेगा। आपके एक नंबर के क्वेश्चन में नोड भी देगा और नेटवर्क भी देगा, तो आपको क्या लगाना है, नेटवर्क लगाना है न कि नोड लगाना है। दूसरी परिभाषा आपने सीखी कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लोबली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसको देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आया कब, क्यों जरूरत हुई इसकी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो यहां पे बता दूं कि जो इंटरनेट की जरूरत पड़ी, जो इंटरनेट बना, जैसे इंटरनेट जहां से आया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कहां की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक बात और जान लीजिए आप लोग कि यूएसए ने कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश रहा है इन ओल्ड एरा। पिछले जहां से कंप्यूटर ने जितने इजाद हुए हैं, ज्यादातर योगदान, ज्यादातर भागीदारी यूएसए देश की रही हुई। तो सबसे पहले वहां के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सबसे पहले 1960 में, याद रखिएगा 1960 ईस्वी में, उन्होंने लगभग कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर, याद रखिएगा कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ा था, जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था। और वो जो नेटवर्क बना था, वो नेटवर्क थ्रू द फिजिकल मीडियम से जुड़ा था, यानी फिजिकल वायर के माध्यम से जुड़ा था। उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया, लेकिन इंटरनेट नहीं बना था। अब भी ध्यान दीजिएगा कि 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया था। तो फर्स्ट नेटवर्क आपका कब आया था, 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, और यहीं से इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया गया था। बात करें लेट 1969 में फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, साथ ही इसके एक और एजेंसी, सहयोगी एजेंसी, जिसका नाम, जिसने इतने हायर किया था, अर्पानेट, अर्पानेट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अर्पानेट दोनों ने मिलकर 1969 यानी लेट 1969-70 में फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी दी थी विथ वन डजन रिसर्च साइट, एक दर्जन रिसर्च साइट के साथ 1970 में ये पहली कनेक्शन फैसिलिटी प्राप्त हुई। अब बात करें कि इंडिया में कब आए, इंडिया थोड़ा पीछे से काम करता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो भारत ने में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, वो स्पेसिफिक डे, और हमारा स्पेसिफिक डे क्या होता है, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में
भारत में फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी इन इंडिया फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी 1995 15 अगस्त 1995 को फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी इन इंडिया इंडिया में लॉन्च हुई थी विद द हेल्प ऑफ यहां पे लिख दे रहा हूं गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा VSNL। अब कुछ नाम मैंने लिखे हैं साथ में अभी उनका हम फुल फॉर्म आपको भी बताएंगे। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये इट इज द फर्स्ट ISP इन इंडिया। इट्स अ फर्स्ट ISP इन इंडिया। यहां पे जो हम टर्म्स लिख रहे हैं शॉर्ट में वो आपसे एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। इनको आप राइट डाउन करते जाइए। जैसे DoD हुआ, अर्पानेट हुआ, VSNL हुआ, ISP हुआ, ठीक है। इनको आप एक तरफ नोट्स में लिखते जाइए ताकि इनका अगर हम फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि आपके जो 10 नंबर का मैंने आपको बताया था MCQ आएगा उस 10 नंबर में ये अधिकांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तो DoD का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये बाद में चेंज हुआ था DARPA के नाम से। ठीक है। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क विदेश संचार निगम लिमिटेड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी वो ISP क्या होते हैं, वो नेटवर्क होते हैं जो हमें क्या करते हैं सर्वर देते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं हम अपने इंटरनेट को सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है किसकी, इंटरनेट की। एक बार हम फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि 1960 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था, लेकिन अभी कनेक्शन फैसिलिटी नहीं मिली थी। फर्स्ट कनेक्शन फैसिलिटी लेट 1969 या 1970 में पहली कनेक्शन फैसिलिटी विथ 1 dozen रिसर्च साइट के साथ DARPA, DoD और अर्पानेट ने दोनों ने मिलकर दी थी। उसके बाद भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को पहली कनेक्शन फैसिलिटी भारत में शुरुआत हुई थी और उसको जिसने दिया था प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर का नाम था VSNL, जो आज चेंज होकर MTNL के नाम से चल रहा है। उसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो गाइस ये था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब हम बात करते हैं कि ओनर ऑफ इंटरनेट कौन है, इंटरनेट का जनक कौन है। चलिए बात करते हैं ओनर ऑफ इंटरनेट। ओनर ऑफ इंटरनेट गाइस इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे पहले शुरुआत की तो उन्होंने बताया कि फादर ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें तो वो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली फादर ऑफ इंटरनेट पहले यही आता था, लेकिन ये फादर ऑफ WWW के हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट। चूंकि जो हम
कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं इसी के थ्रू हमारे सर्वर तक पहुंचता है। तो ये अहम रोल प्ले कर रहा था इंटरनेट में, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला गया। लेकिन अगर अब आप देखें तो इसके बारे में चेंज हो गया है। अब यहां पे एक नाम आपको मिलता है, विंडसॉप, और इनके साथ एक और है जिनका नाम नहीं देते हैं, बॉब कॉन। ये दोनों लोग, विंडसर्फ और बॉब कॉन, ये दोनों डार्पा, जो अभी हम पिछले बात कर रहे थे डीओडी की, वहां डार्पा में साइंटिस्ट थे। याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीसीपी आईपी सूट को लॉन्च किया था। और इट इज अ प्रोटोकॉल, क्या है ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक रूल है जो हमारे फाइल को ट्रांसफर और उनको सिक्योरिटी देता है, फाइल को ट्रांसफर करता है, जिसका अहम काम है, जिसके द्वारा हमारा फाइल अपलोडिंग या डाउनलोडिंग होता है। तो ये एक अहम पार्ट है, इस कारण से अब इनका नाम देने लगा है कि इंटरनेट के फादर जो है वो विंडसर्फ है। लेकिन मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि आप इनको लगा के आओ, कभी भी याद रखिएगा कि ओनर ऑफ इंटरनेट में मेरी बात को, कि किसी एक व्यक्ति ने इंटरनेट को इजाद नहीं की थी, एक व्यक्ति ने नहीं किया था, न कोई एक इंस्टीट्यूट ने किया था, न कोई एक कंपनी ने बनाया था। इंटरनेट को बनाने में बहुत लोगों का योगदान था, उसमें से सबसे अहम, सबसे ज्यादा डीओडी और अर्पा ने, दोनों का था, साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ साइंटिस्ट और कुछ कंपनीज ने मिलकर छोटे छोटे नेटवर्क तैयार किए, छोटे छोटे नेटवर्क तैयार किए, बाद में उन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया। जैसे कि मैंने पहले ही परिभाषा में बता दी थी कि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क, तो यहां पे जो नोड तैयार, जो नेटवर्क तैयार किए गए थे उन्हीं को आपस में जोड़ा गया, वहीं से आपके इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो कभी भी गाइस एक व्यक्ति का नाम आ जाए, या एक फर्म का नाम आ जाए, एक कंपनी का नाम आ जाए, या एक स्कूल का नाम आ जाए, तो कभी भी आप उसमें मत लगाइएगा कि ये इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट है या इंटरनेट के जनक है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, डीओडी और अर्पा ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अर्पा ने, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था आईएबी। गाइस ध्यान में रखिएगा कि ये ऑप्शन में आते हैं, डीओडी और अर्पा ने दोनों ऑप्शन में आएंगे, इसको टिक कीजिएगा, कोई अगर नाम आता है तो आप उसको टिक मत कीजिएगा, ठीक है। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था आईएबी, पूरा नाम है इसका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम और बड़ा लिख देते हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इसकी दो शाखाएं थी, IRTF और दूसरी थी IETF। गाइस इसकी दो शाखाएं थी, IRTF और IETF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, यहां पे हम इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं,
और इसका पूरा नाम था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अर्पानेट ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम था आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, जिसकी दो शाखाएं थी आईआरटीएफ और आईईटीएफ, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है गाइस, आईआरटीएफ का काम क्या था कि जो आपके इनोवेशन हुए हैं इंटरनेट में, जो बदलाव आए हैं उन बदलाव को खोजना इनका काम था, और इंजीनियरिंग आप जानते हैं ना कि जो इंप्लीमेंट करते हैं, इंजीनियर क्या होते हैं, बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं। यही चीज आप लोग भी सीख रहे हो, ओ लेवल का मतलब होता है नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये एक नेटवर्क इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसके आप फर्स्ट फेज पे होते हो। नेटवर्क इंजीनियरिंग के फर्स्ट फेज में आप ओ लेवल करते हो तो आप फर्स्ट फेज सीख जाते हो, तो उसका काम क्या था कि इंप्लीमेंट करना, सेम थिंग है। तो एक का काम क्या था, इंप्लीमेंट करना, जो इसने रिसर्च किया, जो इनोवेशन को उसने डाला हुआ है, जो खोजा हुआ है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता था, आईईटीएफ। ठीक है, तो गाइस ये था आपका ओनर ऑफ इंटरनेट, यहीं से आपका इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की ग्रोथ क्या है, उसकी हिस्ट्री हमने आपको बताई, उसके बाद उसका ओनरशिप कौन है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम यहां से इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, पार्ट तो यही चलेगा लेकिन इसको ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि अभी अब इसके हम अंदर पहुंच जाते हैं। अभी तो ये बाहरी वातावरण था कि क्या है क्या नहीं है, कब आया, किसने लाया, इसने जो कंफ्यूजन था वो काफी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगर आपको इसमें कोई संदेह होता है तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट, राइट, अगर हम बात करें कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कौन सी है, पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इसकी दो टेक्नोलॉजी होती है, एक आपका होता है नेटवर्क और दूसरा होता है आपका बेमेल। नेटवर्क के हमने पार्ट लिखे थे यहां पे, वेब डिजाइन के पार्ट लिखे थे जो आपने रिपीट में पहले ही आपने नोट किया होगा, तो उसमें से कुछ चीजें हमने लिखा था कि एचटीएमएल, इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं HTML, ये हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट में है। XML इसका इंट्रो देते हैं, जावा का इंट्रो देते हैं आपको और अदर लैंग्वेजेस, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो गाइस जो हम लोग वेबसाइट पे बटन्स देखते हैं या मेन्यू बार देखते हैं, जो हम उसमें बटन्स बनाते हैं क्रिएटिव, किन यहाँ पे टैप करते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं, इस तरह से जो बटन्स वगैरह होते हैं फॉरवर्ड जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे आपको बटन्स मिलते हैं, मेन्यू बार मिलते हैं, छोटे छोटे आइकन्स मिलते हैं, उन सबको बनाने के लिए एक्सएमएल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये थोड़ा सा इंक्लूड हो गया है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी काम किया जाता है, पीएचपी के थ्रू काम किया जाता है बेसिकली इसमें लेके, तो ये लगभग अनयूज हो गया है, इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पहले ही यूज होता था, जब पहले वेबसाइट बनती थी तो इसको बनाते थे, डीएचटीएमएल का इस्तेमाल करते थे, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन अब उन सबको एक कंबाइन कर दिया गया है कि आप पीएचपी के थ्रू आप सर्वर बैकएंड में क्या काम करते हैं, सीएसएस ला दिया गया है, जावास्क्रिप्ट ला दिया गया है जो आपके फ्रंट एंड को बनाने में काम आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हम क्यों पढ़ते हैं, ये बेसिकली ज्यादातर पूछा जाता है। जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की सबसे एक बड़ी खासियत है, अभी तक जो लैंग्वेजेस बनी है, गाइस एक बार हम लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो देते हैं, थोड़ा सा बाहर कि आज तक कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस बनी है वो एक दूसरे की कमी को दूर करने के लिए बनी है, ज्यादातर उसमें कोई अलग से लैंग्वेजेस नहीं बनाई गई है बल्कि उनकी कमियों को दूर किया गया है। जैसे सबसे पहले जो लैंग्वेजेस आई है अगर हिस्ट्री में देखें तो वो थी एल्गोल, ठीक है, एल्गोरिथम आई थी, फिर कोबोल आई, फिर बी आया, उसके बाद सी आया, सी के बाद सी प्लस प्लस आया, तो सब में एक दूसरे की कमियों को दूर करने के लिए लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए। यहां पे जावा का इस्तेमाल क्यों किया गया कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मशीन यानी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ही नहीं करता बेसिकली। ये बात क्यों, कभी कभी क्या होता था इसको इस्तेमाल कर, जब पहले साइट्स बनती थी तो वो वेबसाइट जब बनती थी तो कभी कभी ब्राउजर पे वो शो नहीं करता था, ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता था, इस कारण से जावा स्क्रिप्ट बनाया गया। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बात होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है पहले 16 बिट चलती थी, जैसे एक्सपी जो अब तक आप देख रहे हो, पहले चलती थी 8 बिट की भी, एक्सपी चली, फिर आया आपका विंडोज आया, 7 आया, उसमें विस्टा आया, अल्टीमेट आया, प्रोफेशनल आया, क्लासिक आया, और उसके बाद विंडो 8 आया, फिर तो 32 बिट का आया, 16 बिट से 32 बिट, फिर 32 बिट से 64 बिट, या अभी समय प्रेजेंटली 64 बिट के चल रहे हैं। तो जो पुराने ब्राउजर्स होते थे जो 16 बिट के हैं तो कुछ 16 बिट पे सपोर्ट करते थे, अब वही 32 बिट पे आया तो सपोर्ट करना बंद कर दिए, तो इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या बनाया गया था, जावा स्क्रिप्ट। इसमें जावा का जो इस्तेमाल किया गया, और जावा को मैंने बताया कि वो प्लेटफॉर्म 16/32/64 पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसकी एक पर्सनल हर में जावा की एक आईडी हर सिस्टम में अपने आप रन की जाती है या हम उसको इंस्टॉल कर लेते, और जिस सिस्टम में जावा इंस्टॉल है उसमें हर तरह के ब्राउजर में आपका सपोर्टेबल होता है, साइट चाहे जैसी भी बनी हो, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो इससे पहले जो थी जावा से पहले सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस क्या, ये भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब ये क्यों बनाया गया, दोनों में बहुत सारा कॉमन सा डिफरेंट है, C++ और जावा की अगर बात करें तो ये तीनों में कॉमन सा डिफरेंट है, ये प्रोसीजर था, मतलब हर चीज को प्रोसीजरली आपको लिखना होता है, अप टू डाउन या डाउन टू, चाहे जैसे भी आप लिख रहे हो, लेकिन आप इसको पूरा लिखोगे, इसमें आप काटछांट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट का डिटेल देना है तो 10 का देना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ग्रुप बना दो 10 का फिर हम डालते रहेंगे, ऐसा नहीं, तो ये बहुत लिंदी हो गया। तो जब लिंदी हो गया
तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए सी प्लस प्लस बना डाला। अब सी प्लस प्लस का काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या किया कि जो प्रोसीजर था उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट जैसे एक मोबाइल है, अब मोबाइल के नाम से उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मोबाइल एमआई का भी हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, एप्पल का भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके मार्केट में मोबाइल है सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्ट। तो वो चीज जो सबके लिए लिखना होता था वो आप कंप्रेस हो गया। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, क्या थे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज थे, इसीलिए इनको हटा के, क्योंकि वही 32 बिट पे आने पर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो इसको हटा दिया गया, फिर जावा लाया गया। तो जावा का एक वर्जन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो गाइस ये था आपका टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो गाइस आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, टेक्नोलॉजी तक हम लोगों ने देखा, अब बात करेंगे नेटवर्क के पार्ट की, तो ये गाइस हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइंडिंग ट्यूब प्रयागराज। अगर आपको इसमें कोई संदेह होता है या आपका कुछ न समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9580779451। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या हमारे वेबसाइट पे bindingtube.in पे आप अपने कमेंट लिख के भेजें, और ज्यादा से